राधा, ये राधा, तुम क्या कर रही हो? आज घर पे नहीं आई तुम, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पर। अरे पूनम और बाकी सब गाय वहां पर है। और अब बोर भी ज्यादा नहीं रहे, थोड़े से हैं अब, ज्यादा नहीं है। और ये भी अभी धीरे धीरे खाना शुरू कर रही है, आज थोड़ा सा खा रही थी ऐसा मैंने देखा था। पर वो दोनों वहां पर झगड़ रहे हैं, कान्हा और कृष्णा, छोटी वाली। बड़ी कृष्णा इस बार वहां पर रखी है और ये दोनों यहाँ पर। अरे ओ राधा जी, मेरी राधा जी, मेरी राधा जी, वहां पर अभी नहीं रखते क्योंकि अभी वहां पर धूप आती है। और यहाँ से अभी जो नारियली के पत्ते रखे थे हमने वो हटा दिए हैं, तो अभी चारों तरफ से हवा आती है यहाँ पर, तो अभी वहाँ पर नहीं रखते हम। और ये खड़े हो गए। ओए ओए राधा, राधा, ओ राधा, कैसी हो राधा? और ये हम पास में जाते हैं तो भागता है, इसका कुछ और ही है। देखा, डरता है या भागता है या मस्ती में भागता है वो कुछ इसका पता नहीं चल रहा, और पता नहीं चल रहा मेरे को। ओए तुम दोनों अभी लड़ क्यों रहे थे? हम क्यों लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे बोलो? ओए क्यों लड़ रहा था तू? यही है शैतान। गुपी पुनी, ए पुनी, क्या खा रही हो? घास खा रही हो? गॉड, इस कृष्ण की बात कर रहा था, इसको यहाँ पर रखा है। अब अन्ना जो छोटे कृष्ण जहाँ पर रखी है वहाँ पर रखते थे, लेकिन आज यहाँ पर रखा है। तो अभी पूजा पूनम का दूध निकाल रही है, मम्मी और पूजा दोनों सीख रही है अभी पूजा। तो अभी पापा राधा को पकड़ के खड़े हैं और वो साथ में थोड़ा सा खा रही है ऐसा लग रहा है। और आज थोड़ा सा जल्दी दूध निकाल रहे हैं हम, क्योंकि आज जल्दी काम ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा जल्दी ताकि रात को जल्दी सारा काम हो जाए।
महावीर कुल्फी आइसक्रीम जो कि हमारे गांव में ही रहता है, ये राजस्थान का, और हर रविवार आता है यहाँ पे मंदिर पे, तो मैं और करण आते हैं यहाँ पे लच्छी या बादाम पीने, क्योंकि तो लच्छी में इसकी मास्टरी है, दूसरी जगह पे ऐसी लच्छी नहीं मिल रही। कहाँ नाखो है तुम लच्छी में? दही तो हमारे घर नो था, आवी नहीं थी, पानी न हो नहीं तो काम करते दही में पानी काटे नाखवा। तो ये बन रही है लच्छी मेरे और करण के लिए एक एक। डाली चेरी, ये डाली जेली, और उसके नीचे है आइसक्रीम जो कि राजभोग जैसी लग रही है लेकिन केसर पिस्ता है। करण तो शुरू भी हो गया। तो अभी मैंने और पापा ने नाश्ता कर लिया है और अभी मैं यहाँ पर मंदिर पे आया हूँ, और आज पहले से भी ज़्यादा लोग गए हैं। हर बार थोड़े दिन कम आते हैं, फिर वापस ज़्यादा आते हैं, वापस कम आते हैं, फिर वापस ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर ऐसा चलता ही रहता है। और आज शायद इस पौधों की भी कटाई की है, उस तरफ तो की है ऐसे वाले की इसकी कटाई कर दी है। ये ऐसे एकदम सीधा हो गया है और ये बड़ा भी हो गया है एकदम। इसकी कटाई स्क्वायर में करते हैं, ऐसे वाले की गोल में करते हैं, दोनों की अलग अलग। और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे वाले ऐसे जब काट देते हैं तब। वहाँ पर अंदर माता का मंदिर है, और जब ये नया नया बना था ये स्लाइड्स और वो, तब इतने लोग नहीं आते थे, शायद इतना पता नहीं हो गया क्यों, लेकिन अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, पहले इतने नहीं आते थे सिर्फ, और ये सब भी नहीं था पहले, सिर्फ अंदर माता जी का मंदिर ही था, ये सब तो बाद में बना। ये है रंदर माता का मंदिर और उस तरफ है शंकर भगवान का, और इस तरफ सिर्फ फ्लावर्स है, उस तरफ सिर्फ ऐसे वाले पौधे हैं। ये लाइन में तो सिर्फ फ्लावर्स ही है इसमें, और ये है शंकर भगवान का मंदिर। और अभी मैं दूसरे लोन में आया हूँ, और रंजल माता जी के मंदिर पे आने के लिए दो गेट है, एक वहाँ से ऐसे आता है जो भी रंजल माता के मंदिर पे ही आता है, और एक और बंदर से हम इसे आते हैं, तो वहाँ पर भी है एक गेट, वहाँ से भी हम आ सकते हैं। और यहाँ पर एक और मंदिर बन रहा है, किसका बन रहा है वो पता नहीं है, लेकिन एक मंदिर बन रहा है। एक और मंदिर बन रहा है।
और यहाँ पर भी एक कुआं है। और ये वाला जो लॉन है ये सबसे बड़ा वाला है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा वाला है। यहाँ पर क्रिकेट खेलने की भी मज़ा आता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्रिकेट भी खेलते हैं। और यहाँ पर एक बनियान ट्री है जो कि यहाँ पर मंदिर है तब से है, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, जब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तब से तो है ही ये, अब बहुत ही बड़ा हो गया है ये। और यहाँ पर भी उस तरफ से लेके वहाँ तक नारियल ही लगाई है। और हम आए थे तब इतनी कार्स और रिक्शा नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सारी हो गई है। और पापा और यहाँ पर बैठे हैं तो वहाँ पर जाता हूँ।